बोल जय कारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। आज माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। आज के दिन अगर आपके शनि ग्रह आपसे रुष्ट हैं तो आप क्या महा उपाय कर सकते हैं? आपने थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ी सी माँ की दाल लेनी है, छिलके वाली जो काली और सफ़ेद होती है। आपने उन दोनों को मिक्स करके थोड़ी सी खिचड़ी बनानी है। एक या दो चम्मच देसी घी डाल के जरा सा बिल्कुल नमक डालेंगे, बिल्कुल जरा सा, और ये खिचड़ी थोड़ी सी बनाकर आपने कौओं को डालनी है जो कि प्योर शनि देव हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं आज के दिन तो आपकी शनि से रिलेटेड जो भी परेशानी है दूर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 दिन रह गए हैं सिर्फ अपने बुध ग्रह को सही करने के लिए। देखिए, ये हमारे पास सुनहरा मौका है। माँ के नवरात्रे चल रहे हैं और अगर आपको बुध ग्रह से रिलेटेड कुंडली में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप अभी भी 2 दिन हैं, ये उपाय करिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। सबसे पहले तो आपने आज गंगा जल डालकर नहाना है, साथ में महाकाल रात्रि के इस मंत्र का जब आप पूजा करेंगे तो जाप करना है। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। आपने इस मंत्र का जाप करना है, आप 11 बार करिए, माला करिए, आपकी अपनी इच्छा है जैसे करना चाहें। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 2 दिन सिर्फ रह गए हैं अपने बुध ग्रह को कुंडली में सही करने के लिए। बुध क्या होता है? बुध हमारा बिजनेस, बुध हमारी बहन बुआ बेटियाँ। अगर आपका व्यवहार आपकी बहन बुआ बेटियों के साथ सही नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी बुद्धि को, आप अपने बिजनेस को खराब कर रहे हैं। और अगर आपकी बहन बुआ बेटियां खुश भी नहीं हैं तो भी आपके ये बुध ग्रह खराब हो रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको आज या कल 2 दिन हैं, कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक घंटी लेनी है, जो मंदिर में घंटी लगाते हैं वो आपको घंटी छोटी ले बड़ी ले मंदिर में डोनेट करनी है, यानी मंदिर में अर्पित करनी है और मंदिर में वो घंटी लगवानी है। जितनी वो घंटी बजेगी उतने ही आपके जो घर में घर से तकलीफें हैं वो दूर होंगी, चाहे वो आपकी बिजनेस में तकलीफें आ रही हैं, चाहे वो आपकी बहन बुआ बेटियों की जिंदगी में आ रही है। और जितना आप अपने घर की बेटियों को बहनों को तवज्जो देंगे, उनकी मन को दुखाएंगे नहीं, उतने ही आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी। देखिए, जुबान में हड्डी नहीं होती, पर अगर वो जुबान आपकी सही तरीके से नहीं चली तो आपकी हड्डियां भी तुड़वा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जो इंसान की अब जबान गंदी है, यानी वो अपशब्द बोलता है और उसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार इंसान कोई है नहीं, तो समझ लीजिए कि उसका बुरा टाइम तो उसी टाइम से ही शुरू हो गया कि आपके अंदर मैं की भावना आ गई। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी आदतों को भी सुधारिए। देखिए, अगर आप कोई उपाय करते हैं वो उपाय तब लगेगा जब आपकी आदतों में भी सुधार होगा। आप अपने घर की बच्चियों के लिए, बाहर की बच्चियों के लिए भी, बच्चियां तो सबकी एक समान है, अगर आप अच्छे भाव नहीं रखते, आपके मन में कोई भी नकारात्मकता ऊर्जा आती है तो आप अपने खुद के ग्रहों को खराब कर रहे हैं। माँ के नवरात्रे हैं, माँ का जयकारा बोलिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। छोटे छोटे से उपाय करिए और अपनी भी जीवन को सुखमय बनाइए और अपनी बेटियों के और बहनों के जीवन को भी सुखमय बनाइए। जय श्री राधे, जय गुरु।